अकाली आगू तोता सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नमक्खां दे नाल उन्हां नूं अंतिम विदाई दी जा रही है। अकाली लीडरशिप इस मौके मौजूद है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल भी इस मौके मौजूद ने। लंघे शनिवार को आखिरी साल आए थे जथेदार तोता सिंह ने अकाली बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे जथेदार तोता सिंह ते उन्हां नूं अंतिम विदाई दी जा रही है। मौका तो तस्वीरां तुहानूं दिखाने असीं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल इस मौके मौजूद ने। पिछले शनिवार को आखिरी साल आए सन जथेदार तोता सिंह ने। लंबा सियासी करियर उन्होंने रहा, सरगर्म सके सियासत दे विच और कुछ वक्त तो सेहत नासाज होने करके बीमार चल रहे थे। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा है जिससे उन्होंने आखिरी साले के मोगा विच अज उन्होंने अंतिम संस्कार जरा किया जा रहा है। जथेदार तोता सिंह अंतिम विदाई दी जा रही है। मोगा तो ये सीधिया तस्वीर सुन दिखा रहे हैं। लगन भेंट किया जाएगा। दो मार्च 1941 का जन्म हुआ से जथेदार तोता सिंह का पंजाब सरकार के खेतीबाड़ी मामलों के मंत्री भी रहे, एनआरआई मामलों के मंत्री रहे। पंजाब के शिक्षा मंत्री भी रहे जथेदार तोता सिंह। श्रोमणी अकाली दल के उन्होंने अहुदा जोड़ा है बहुत उच्चा सीगा। सीनियर वाइस प्रेजिडेंट से श्रोमणी अकाली दल के मैंबर से हाई पावर कमेटी के। 21 मई 2022 आखिरी साल है जथेदार तोता सिंह। जथेदार तोता सिंह नूं अंतम विदाई दी जा रही है। अंतम रस्मां दीआं तस्वीरां ने जिहड़ियां निभाईआं जा रही ने। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल खुद इस मौके पर मौजूद ने और अंदाजा लाया जा सकता है कि कितना वड्डा कद कितना उच्चा कद जथेदार तोता सिंह का रहा है। श्रोमणी अकाली दल के कितना योगदान उन्होंने पाया। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट जो अहुदे सीगे, नाल ही हाई पावर कमेटी के मैंबर भी सीगे श्रोमणी अकाली दल के। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री भी रहे ने, खेतीबाड़ी महकमा भी एक बार उन्होंने सांभिया और उसके ही एनआरआई अफेयर का मंत्रालय भी उन्होंने सांभिया। 1997 के विधायक चुने गए थे मोगा तो। उस तो बाद उन्होंने धर्मकोट तो चोण लड़ी 2002 से 2012 के बीच जोड़ा है। 2002 के मोगा तो उन्होंने चोण लड़ी, मुड़ चुने गए 2012 के धर्मकोट तो चुने गए थे। कैबिनेट मंत्री रहे, इस ही पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। इस तुम पहला 1985 से 1987 के विचाले सुरजीत सिंह बरनाला की उस वे सरकार से। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भी रहे कई साल तक लगातार। 2017 के
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।